मैं ये मानता हूँ कि अगर भारत एक राष्ट्र होता तो जातिवाद का मामला कब का ख़त्म हो गया होता है। भारत एक देश जरूर है लेकिन एक राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र किसको बोलते हैं? बाबा साहब आम्बेडकर की परिभाषा में वो बोलते थे कि कोई भौगोलिक आधार पे कोई एक जगह राष्ट्र नहीं बनती है। राष्ट्र बनने के लिए ज़रूरी होती है कि उसमें जो भी लोग हैं उसका एक समान इतिहास और एक दूसरे के प्रति सम्मानीय व्यवहार, इससे राष्ट्र बनता है। तो भारत एक देश जरूर है, राष्ट्र नहीं है। 20 साल की उम्र से और उससे भी पहले जब मैंने गांव में जाना शुरू किया, 36 साल हो गए, तो मैंने कोई गांव ऐसा नहीं देखा कि जहां सब जाति के लोग एक साथ में रहते हैं। बराबर, वो एक बंटवारा है। ये दलित शब्द तो अभी का आया, 150 साल पहले भारत में दलित शब्द नहीं था। तभी तीन शब्द थे, अस्पृश्य, अनटचेबल, अदृश्य, अनसीएबल, और असंसर्गीय यानी अनअप्रोचेबल, जिसको छूने से, देखने से या उसके संसर्ग में आने से छुआछूत लग जाता है, अपवित्र हो जाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज के ज़माने में ब्लैक कास्ट, ज्योतिबा फुले ने शूद्रातिशूद्र, गांधी जी ने अडॉप्ट किया कहीं से एक शब्द नरसी मेहता से, हरिजन, बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला डिप्रेस क्लास, और अभी बंधारण में, संविधान में हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, और सोशल मूवमेंट में हम बोलते हैं दलित। जो भी शब्द का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं करेंगे, लेकिन गांव में जो बंटवारा है इसके बीच में जो लाइन है वो लाइन कभी टूटेगा नहीं है। मैंने देखा है कि जब पांच ही मौके पे ये लाइन थोड़ा टूटता था, जिसको हम गैर दलित लोग बोलते हैं, वो आते थे दलित बस्ती में, पैर नहीं रखते थे, वहाँ खड़े होके कुछ काम के लिए आते थे। पांच मौके थे, एक जब आपको मजदूर चाहिए खेती के लिए तब आते थे, दूसरा अगर कोई पशु मर गया तो आते थे बुलाने के लिए, आ जाइए और खींच के ले जाइए, तीसरा आपको कस्टमरी सर्विस चाहिए, ढोल बजाना है, कोई की मौत हो गई उसका संदेश देना है तो आते थे, चौथा औरत की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि औरत अस्पृश्य नहीं है तब आते थे, और पांचवा है इलेक्शन के दौरान मत चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो अछूत हो सकता है, उसका मत तो अछूत नहीं होता है, और यही तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए। ये पांच के सिवा मुझे गांव में एक छठा मौका नहीं देखा मैंने कि जहां ये दो नेशन के बीच में लाइन रप्चर होता था कभी। 1930 के अंत में पहली बार गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में बम्बई में मुलाकात हो गई थी, मणिभुवन में, क्योंकि 1931 में, क्योंकि बाबा साहब फर्स्ट राउंड ट्रिबल कॉन्फ्रेंस में चले गए थे जबकि कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तब लगा कांग्रेस को कि शायद गलती हो गई, क्योंकि बाबा साहब ने जाके लंदन के पेपर्स में काफ़ी मुद्दे पे बात कर लिया था और पॉपुलर भी हो गए थे। तो अगली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 32 में होने वाली थी, गांधी जी ने बोला मैं भी जाता हूँ, लेकिन उसके पहले वो डॉक्टर अंबेडकर को मिलके उसकी मन की बात जानना चाहते थे, तो बुलाया। दोनों की बात हुई और गांधी ने बोला कि ये अलग मताधिकार की बात हमें क्यों उठाना चाहिए, हम तो एक देश है। तब बाबा साहब ने पूछा था
कि मुझे एक गांव बताओ कि जहां मेरा वतन है, मेरी भूमि है, जो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा गांव है। न मंदिर मेरा है, न कुआं मेरा है, न श्मशान है, न घर मेरा है। तो मैं कैसे बोलूँ कि मेरा देश है? गांधी ने बोला कि नहीं, लेकिन हम कांग्रेस से, हम ये मानते हैं कांग्रेस बड़ा आंदोलन छेड़ने वाला है। तो बहुत अच्छा मार्मिक सवाल बाबा साहब ने पूछा था, जो गांधी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने पूछा कि माफ करिए मिस्टर गांधी, आपने कांग्रेस में सदस्यता किसी को लेना है तो उसके लिए आपने शर्त रखा कि आपको खादी पहनना पड़ेगा, तो आपने ये शर्त क्यों नहीं रखा कि आप छुआछूत में नहीं मानेंगे, वो शर्त पे आपको कांग्रेस में प्रवेश दिया जाएगा? गांधी के पास कोई जवाब नहीं था। और हमें पता है 1920 में कांग्रेस ने पहली बार रेजोल्यूशन पास किया छुआछूत के खिलाफ, क्योंकि अभी पता चल गया था कि अंग्रेज आने वाले हैं, और जाएगा तो कौन राज करेगा, तो फिर किसके पास कितने मत है उसकी गिनती शुरू हो गई। तो सडनली अस्पृश्य के मत 16.5% इस देश में बड़ा मायने रखता था। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके सोशल रिफॉर्म का जो एजेंडा है, समाज सुधार का, विधवा पुनः विवाह हो या जातिवाद के खिलाफ, उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों? नहीं, एक ही फोकस करेंगे कि देश का आज़ादी, पहले देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर तो सत्ता हमारे पास है, हम जो कानून बनाना चाहते हैं बनाएंगे और ख़त्म कर देंगे। बाबा साहब ने बोला था कि पूरे विश्व का इतिहास देख लो, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि सत्ता आने के बाद सोशल रिफॉर्म होता है। ठीक है, हम आज़ाद हो गए 1947 में, उसके 2 महीने के बाद यहीं बम्बई जहां हम बैठे हैं महाराष्ट्र में, यहाँ खानदेश करके एक प्रदेश, और उसके विधायक ने 15 अक्टूबर 1947 में, आज़ादी के 2 महीने बाद, एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा था विधानसभा में कि सर पे मैला ढोना खत्म होना चाहिए, नो मैनुअल स्कैवेंजिंग। सरकार ने बोला ये बिल आप विड्रॉ कर लो, हम कमीशन बनाएंगे और कमीशन का रिपोर्ट आ जाना है तो हम ख़त्म कर देंगे। बिल विड्रॉ हो गया, पता नहीं कितने साल बाद कमीशन का रिपोर्ट आया। कमीशन बहुत अच्छा था, बर्वे कमीशन, मेरे हिसाब से देश में सबसे अच्छा कोई कमीशन का रिपोर्ट आया है तो ये बर्वे कमीशन का है। लेकिन सरकार भूल गई, कुछ किया नहीं, वापस किसी ने सवाल उठाया, दूसरा एक कमीशन बनाया, फिर तीसरा कमीशन बना, चौथा बना। आज 2017 देश में 7,50,000 कुटुंब सर पे मैला ढोता है। इस देश में कितने आंदोलन हुए इस मुद्दे को लेके? नहीं हुआ। क्यों? इस मैला मेरे सर पे नहीं है ना, अगर मेरे सर पे है तो मुझे परेशान करेगा। मैं शहर में हूँ अगर तो टॉयलेट है, ऐसा फ्लश करता हूँ तो 1 सेकंड में पानी बहुत सारा छूटता है और मेरी आंखों से गायब हो जाता है। कहाँ है मैनुअल स्कैवेंजिंग? है नहीं, मेरे घर में नहीं है, फिर कहाँ जाता है? सुएज में जाता है। ये लाइन अगर चोकअप हो गया तो उसको साफ करने का टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास? इंसान को अंदर लगाओ, कभी कभी अंदर से गैस निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका ना स्मेल होता है ना रंग होता है, 1 सेकंड के फ्रैक्शन में आप मर गए। सिर्फ अहमदाबाद शहर में हर साल करीब 21 लोग मरते हैं गटर में जाने से। बम्बई में तो बच्चों को नीचे डालता है। हमने कभी देखा नहीं कि इस मुद्दे पे बड़े आंदोलन हुए।
क्योंकि ये मुझे परेशान नहीं करता है, मुझे जो इशू मुझे परेशान नहीं करता है उसी के खिलाफ लड़ने का मेरे में कभी कोई ना तो मोटिवेशन होता है ना मेरे में ताकत खड़ा होता है। तो इसीलिए मैंने शुरू किया था कि राष्ट्र एक है ही नहीं। हमने रोहित वेमुला का देखा, ठीक है, मीडिया, सोशल मीडिया, एक माहौल, या ऊना का देखा, वीडियो में मारते हुए बड़ा आंदोलन धमाल हो गया। लेकिन आज हमारे देश में, और हम जिस गांव से आते हैं, देश का बात छोड़ो, हम हमारा गांव ले लो, हमारे गांव के स्कूल में आज छुआछूत नहीं होता है बच्चों के साथ, होता है, बच्चों को अलग बिठाया जाता है, मध्याह्न भोजन में अलग बिठाया जाता है। हमने गुजरात में ये सबसे बड़ा स्टडी किया है, अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी है। कोई ना बोले कि कोई एनजीओ का स्टडी है, तो अमेरिका की प्रख्यात 3 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ मिलके किया, छोटा अध्ययन नहीं है, 1590 1589 विलेजेस, 98,000 रिस्पॉन्डेंट्स, क्या नतीजा। ये तो गुजरात का बात करता हूँ, इसलिए गुजरात का बात बात करता हूँ कि गुजरात मॉडल है पूरे सब देश में, बोलते गुजरात जैसा बनो। 90% गांव में हिंदू होते हुए भी दलित मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 54% ऑफ गांव में दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग लाइन करके बिठाया जाता है। 64% गांव में अगर दलित सरपंच भी चुन चुन के आता है या सदस्य बनता है पंचायत में, उसका बैठने का सीट अलग होता है, कहीं तो सीट होता ही नहीं। मैंने कई लोग को देखा है नीचे बैठते, बाकी के लोग कुर्सी पे बैठते हैं। आई कैन गो ऑन, क्योंकि 98 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, ये इसके पर तो कोई आंदोलन नहीं होता है, और ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी आया तब से सवाल हुआ है, या कांग्रेस का जन्म हुआ तब से हुआ, ये तो 3,000 साल से चला रहा है। कभी कभी हम पार्टी के दायने में उसको रख देते हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा पोजीशन मैं आपको बोल दूँ, मुझे बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क मुझे नहीं दिखता है, एक सिक्का की दो बाजू, बराबर, जहाँ तक जातिवाद का सवाल है। तो मैं कोई पक्ष में ना हूँ, न था न कभी रहने वाला हो। सवाल है, अगर ये एक देश होगा और उसमें दो राष्ट्र रहेगा, तो उसके नतीजे क्या आएंगे? हम सबको पता है कि अन्याय और अत्याचार सहन करने का एक हद होता है, उसके बाद न कानून ना नेशनलिज्म का अपील कुछ काम करता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जो मेरे एक जहाँ मैं काम करता हूँ गांव में हुआ। पब्लिक स्कूल है, बड़ी स्कूल है, टीचर ने बोला, अच्छा कोई बच्चे का इच्छा है आके कुछ गाना गाने का? एक लड़का आ गया, आइए गाइए। उसने डॉक्टर अंबेडकर का कुछ गाना शुरू किया, टीचर ने बोला, एक रुक जाओ, इधर आओ, ये क्या बकवास है, मैंने तुम्हें गाना अच्छा गाने को बुलाया, क्या गाया आपने? बच्चे को जो गुस्सा आ गया, 12 साल का बच्चा, एक जोरदार थप्पड़ टीचर को सबके हाजिरी में गाल पे लगा दिया, हंगामा हो गया, प्रिंसिपल गुस्से हो गए, टीचर्स इकट्ठे हो गए, लड़के को बुला जाओ, तुम्हारे बाप को बुला के लाओ इधर। पिताजी आए, जी सब क्या हुआ? नहीं, ये तुम्हारा लड़का मुझे थप्पड़ मारा, मैं प्रिंसिपल। पिताजी ने पूछा बेटे को, क्या बे क्यों मारा? नहीं पिताजी, उन्होंने आमंत्रित किया था गाना गाने के लिए, मैंने गाना गाया, बाबा साहब को थप्पड़ मारा, यानी मुझे मेरे हाथ में से माइक ले लिया।
तो मुझे मैंने गुस्सा चढ़ गया तो मैं थप्पड़ मारा। फिर पिताजी गरीब है, खेत मजदूर है, स्कूल नहीं गए, लेकिन वो व्यंग में जो बोलता है मैं आपको सुनाता हूँ। वो अपने बच्चे को गाली देते हुए बोलता है, अरे बे बुद्धू, तेरे में इतना अक्ल नहीं है कि तू इस टीचर के जाति के लिए जिसने कुछ नहीं किया है उसका गाना तो उसको सुना रहा है। तेरे अंबेडकर ने ये टीचर की जाति के लिए क्या किया है? हाँ, ये तू तेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? हाँ, बात ऐसे हो गई है कि धीरे धीरे अविश्वास बढ़ रहा है। हम बोलेंगे सब साथ में हैं, लेकिन गांव में मीटिंग भी होगी, जाहिर बोलेंगे लोग, लेकिन कोई भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि 3000 साल से देखा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अभी कई लोग मानते हैं, मुझे कई लोग आके बोलते हैं, मार्टिन भाई ये बंद करो, तुम्हारा शिक्षा का काम, बंदूक ले लो, मार डालो सबको, यही एक रास्ता है। और देश में हम जानते हैं कि करीब कितने राज्यों के अंदर लोगों ने हथियार उठा लिया है। मैं नहीं मानता हूँ कि हथियार उठाने से कुछ फर्क पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जबर भाई ने परिचय दिया कि मेरे 4 साथियों की हत्या हो गई थी 1986 में, करीब 31 साल पहले। तो सब दलित इकट्ठे हो गए और मेरे पर बहुत प्रेशर डाला कि मार्टिन भाई हमें इस गांव में रहना है, आपने देखा क्या होता है, बंदूक चाहिए। मैंने बहुत समझाया लोगों को, देखो बंदूक से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है। नहीं आपको क्या, आप तो शहर में रहते हो ना, हफ्ते में एक बार आते हो यहाँ पे, हमको तो यहाँ रात दिन रहना होता है। ठीक है आप यहाँ रहते हो, लेकिन मैं तो मोटरसाइकिल साइकिल लेके आता हूँ आपके 100 किलोमीटर दूर से, रात को 12 बजे अकेला जाता हूँ। नहीं नहीं हमें बंदूक चाहिए। ठीक है, मेरे कॉन्शियंस के खिलाफ जाके मैंने कलेक्टर से बोला, कलेक्टर बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्या इसमें बड़ी बात है, 7 बंदूक दे दिया। बाज़ार में गए, बंदूक लेके आए, आके ज़रा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया गांव में बताने के लिए कि हमारे पास बंदूक क्या भी है। कुछ 6 महीने के बाद मैं गांव में गया, जाने जाता था, लेकिन एक घटना 6 महीने के बाद है कि एक औरत मिली जो अपना गोबर फेंकने के लिए जा रही थी। मार्टिन भाई आजकल बहुत बड़े हो गए, आप तो घर पे भी नहीं आते हो। मैंने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं है, काम में बहुत रहता हूँ। अच्छा चलो आता हूँ। मैं घर गया, उसने चाय बनाया, मुझे चाय दिया, फिर बोलती है मार्टिन भाई ये हम औरतों ने क्या आपको परेशान किया है, क्या हमने आपका बिगाड़ा कि आप इतना अत्याचार हम औरतों पे करते हो। मैंने बोला अरे बहन ये क्या बोल रहे हो आप, क्या अत्याचार मैंने किया आपके? नहीं वो मर्दों को बंदूक दिया ना आपको, मैंने तो बोला था कि बंदूक नहीं चाहिए। मेरा पति जो बंदूक वाला है आज कल मुझे बोलता है कि रोटी ठीक से नहीं बनाएंगे तो तेरे को गोली मार दूंगा। क्या होता है बंदूक से, जिसके पास ताकत है, जिसके पास थोड़ा बड़ा वर्चस्व है, वो जिसको छोटा समझता है उसके पर बोलेगा मैं बंदूक तेरे लिए मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। हमारे पास दूसरा चारा क्या है? बाबा साहब जी भी बोला, कल हमने फिल्म देखी थी रात को 14 तालाब की, जहाँ दलितों पर बहुत मारपीट हो गई थी पानी लेने के बाद। लेकिन बाबा साहब ने बोला था कि वापस हिंसा का इस्तेमाल मत करो, कानून से लड़ेंगे। ठीक है संविधान है, बहुत सारे कानून है हमारे देश में, और मैं तो बोलूँगा कि हमारे देश में जितनी हमारी आबादी है उससे ज़्यादा कानून है, लेकिन उसका अमल नहीं होता है वो अलग बात है।
लेकिन कानून पे श्रद्धा हम रख सकते हैं क्या? मैं यहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल में बड़ी कॉलेज है नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जहाँ हमारे न्यायाधीशों की तालीम होती है, सब प्रशिक्षण यहाँ होता है भोपाल में, और मुझे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे बुलाते हैं वहाँ पे। पिछली बार गया था तो नई बैच थी, लेकिन एक बहुत सीनियर जज थे, मुझे बोला मार्टिन भाई आपकी बात सुन के मेरा हृदय पूरा क्या बोलेंगे मेरा हिंदी बात बात हाँ हाँ द्रवित हो गया। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ मार्टिन भाई कि आपने जो भी बातें बोली है ना, यही बातें हमारे वेद और पुराण में लिखी है। अगर इस देश वेद और पुराण के रास्ते पे चलेगा तो इस देश में कानून का कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये न्यायाधीश बोलते हैं। मेरे सामने कंटेम्प्ट ऑफ पिटिश कंटेम्प्ट नोटिस निकला, कोर्ट कंटेम्प्ट का, न्यायाधीश की अवगणना, कोर्ट की अवगणना। गुजरात में एक दलित की हत्या हो गई थी और अगले दिन उसका जजमेंट आने वाला था, किसी ने मुझे मैसेज किया 24 घंटे पहले, ये जजमेंट आने वाला है और ये स्लिप मैं आपको देता हूँ, जज का अकाउंट नंबर जहाँ 50,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। सही निकला, वही जजमेंट आया, हमने जज के खिलाफ मोर्चा निकाला, पुलिस परेशान, हाईकोर्ट परेशान। आप मोर्चा निकाल सकते हो लेकिन जज के खिलाफ कभी नहीं निकाल सकते हो, कभी नहीं निकाला ही नहीं। मैंने बोला वो जज है ही नहीं ना, जिसने पैसा लिया वो जज कहाँ से है अभी, टेक्निकली ही इज़ अ करप्ट मैन, वो अक्यूज है, वो जज नहीं है। बड़ी रैली, लेकिन नवसज्जन जो संस्था के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ, साल में करीब 1,500 केस हम लड़ते थे गुजरात में। मैं बताता हूँ कि अभी मैं ये निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ कि कानून बहुत कुछ नहीं कर सकता है। न्यायाधीश की कुर्सी पे जो लोग बैठे हैं ना, हम पुलिस को गाली दे सकते हैं, हम पॉलिटिशियन को दे सकते हैं, जज का बिहेवियर चेक करने के प्लस के पास हमारे पास जगह कहाँ है। गुजरात में एक गांव के अंदर दलित काफ़ी लोग पलायन कर गए, मैं बोला क्यों, बोलते हमें बहुत अत्याचार होता है गांव के अंदर। मैं गांव में गया तो देखा तो दलित का घर इतना पूरा कमरा घास से भरा हुआ। मैंने बोला आपने मुझे बताया कि आप तो ज़मीन नहीं है आपके पास, मजदूरी करते हो, तो इतना सारा घास आपके घर में कहाँ से आ गया है? हंसने लगे, मटिन भाई हमारा घास नहीं है, हमारे गांव के राजपूत को मन पड़ेगा, जिसके मन पड़ेगा उसके घर में आके पूरा घास भर देगा, हम बाहर सो जाते, हमारी साइकिल हो गए तो ले जाएगा, कुछ भी ले जाएगा, वो पूछने का ज़रूरत नहीं होता है उसको। ऐसा ही एक लड़का जो गांव से पलायन करके शहर में झोपड़पट्टी में रहता था और मजदूरी करता था, लेकिन चल उसको चल के जाना आना पड़ता था फैक्ट्री, तो टाइम बहुत लगता था। उसने सोचा एक बाइसिकल अगर मैं ले लेता हूँ, तो 200 रुपया की साइकिल ले लिया सेकेंड हैंड, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये चोरी का माल है। पुलिस ने पकड़ा उसको, ठीक है अभी कानून क्या बोलता है कि अगर चोरी का माल है तो आप जब्त कर लो अटैच द प्रॉपर्टी और उसका जामीन लेके उसको जाने दो, क्योंकि उसने नहीं किया है। यहाँ पुलिस ने इस आदमी को 48 घंटे पुलिस स्टेशन में रखा, इतना मारा इतना मारा कि उसकी पूरी पेट की चमड़ी ऐसे लटक रही थी, मैं गया तब पूरा आप देख नहीं पाओगे। और फिर कोर्ट में, क्योंकि अरेस्ट बताया तो कोर्ट में ले जाना पड़ेगा,
ऐसे ले जाएंगे तो पता चलेगा, पूछेंगे किसने मारा, तो उसको बाहर रखा, उसके छोटे भाई को अंदर डाल दिया, बोलते ये लड़के को कल पुलिस ने बोला हमने पकड़ा है और जमानत करवा दिया। ये लड़का, उसका छोटा भाई जो मानसिक रूप से अस्थिर है, और उसकी विधवा माँ, घर इतना छोटा है आपको पूरा बैंड होके आप घुस सकते हो घर में अंदर, दूर झोपड़पट्टी में अकेला घर है, लड़का वेदना सह नहीं पाता है। कोई लोग ले गए सरकारी अस्पताल में, पुलिस ने पूछा भैया क्या हुआ, नहीं पुलिस ने मारा, तो लिख दिया डॉक्यूमेंट में, और डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन किया। जैसे पुलिस का नाम आया तो लड़का डर गया कि पुलिस मुझे मार डालेगी, मुझे अभी दवाई नहीं करवाना है, वापस घर ले जाओ। घर आए उसी रात उसकी बॉडी मिली जो लटक रही थी उसके घर के अंदर। रात को कोई आया उसको लटका दिया, सुसाइड का केस खड़ा करके चले गए। पुलिस फिर औरत के पीछे हर रोज, लो 5 लाख रुपया कैश। औरत बोलती है मुझे पता है मेरे पास खाना नहीं है लेकिन मुझे न्याय चाहिए। बहुत परेशान नहीं हुई तो मैं माँ जी को मेरे घर ले गया, मेरे घर पे रखा 15 दिन, आप यहाँ रहो शांति से। लेकिन जब ये पुलिस को जमानत दे रही थी कोर्ट, तो हाईकोर्ट में हम अपियर हुए और न्यायाधीश ने देखा है और बहुत बहुत द्रवित हो गए कि एक क्या मारा है। और सरकारी वकील जो है हाईकोर्ट के, वो दलील कर रहे थे पुलिस के समर्थन में। तो हाईकोर्ट जरा गुस्से होके बोला जज ने, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अगर तुम्हारा आदमी पुलिस वाला ये विक्टिम होता तो आप क्या करते? न्यायाधीश ने बोला, मी लॉर्ड, द लॉ डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति व्यक्ति पे कानून अलग होता है। उसके मुंह से निकल गया, पूरे वकील खड़े हो गए प्रोटेस्ट में, ये सरकार बोल रही है कि कानून अलग होता है। ठीक है, मुझे यहाँ तक गारंटी था कि इसको सस्पेंड कर देंगे, लेकिन अगले महीने उसका प्रमोशन हुआ और बम्बई हाईकोर्ट के जज बन गए। अभी भी हाईकोर्ट में जज है। और एक बार ऐसे ही बैठे थे मेरे सामने और मैंने बोला, तो कोई ने बोला नाम बताओ, मैंने बोला ये महाशय जो मेरे आगे बैठे हैं वही है। सवाल है कि आपको हथियार नहीं चाहिए, आप कानून पे अभी भरोसा नहीं रख सकते हो। एट्रोसिटी एक्ट में कन्विक्शन रेट 4% से कम है पूरे देश में, 96% में एक्विटल हो जाता है। क्या रास्ता है आपके पास? शिक्षा, भाई जी सुबह बता रहे थे देश में कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, 4 करोड़ 30 लाख। ये बच्चे कौन है? यही आदिवासी बच्चे हैं और यही दलित बच्चे हैं। हमने रोहित का देखा, मैंने तो 94 में देखा गुजरात में, एक स्कूल में रिसेस के दौरान बच्चे खेल रहे थे, प्रिंसिपल साहब का स्कूटर था, बच्चे ने कोई ने किक मारा, स्कूटर चालू हो गया, सब भाग गए, एक बच्चा हाथ में आ गया, वो वाल्मीकि बच्चा था, स्कैवेंजर। टीचर बहुत बुरा मान गए, ये मेरे स्कूटर को छू लिया उसने, गाली नहीं बोला, चांटा नहीं मारा, भागो, तुम्हारे बाप को बुला के लाओ। पिताजी आए, नगर पालिका में टॉयलेट सफाई कर रहे, साहब क्या हो गया? नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये इनडिसिप्लिन मेरे स्कूल में नहीं चलेगा, मैं उसको रस्टिकेट करता हूँ, रेड लाइन सर्टिफिकेट, बैड कैरेक्टर। गांव में तो अभी भी लोग डरते हैं ये रेड लाइन सर्टिफिकेट से।
अरे साहब ऐसा मत करो, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। बाप गिड़गिड़ाया पौने घंटे तक, अपना पगड़ी उतार के उसके चरणों में, साहब अभी माफ कर दो, छोटा बच्चा है, अब तो उसके माँ बाप हो। बाद में बोला, एक शर्त है, मैं उसको स्कूल में रखूंगा, आप माफी पत्र लिख के दे दो। पिताजी ने बोला, साहब मैं तो कभी स्कूल में गया नहीं, पढ़ा पढ़ा लिखा नहीं, न पढ़ने का आता है न लिखने का आता है, एक काम करिए आप ही लिख दीजिए, मैं अपना अंगूठा लगा देता हूँ। अब ये महाशय ने खुद ने लिखा अपने हाथों से, बाप ने वहाँ थप्पा लगाया, वो अपनी नौकरी पे वापस गए, सोचा मामला खत्म हो गया। ये लड़का क्लास में जा रहा था तो टीचर ने उसको दरवाजे पे रोका, एक वाक्य बोला, अब मैं देखूंगा तो पढ़ लिख के जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा। ये प्राइवेट कन्वर्सेशन, शाम को 5 बज गए, स्कूल खत्म हो गया, सब बच्चे घर पे आ गए, ये बच्चा घर नहीं आया, 5:30 6 बजे, माँ बाप चिंता में है कहाँ गया लड़का। उसकी झोपड़ी रेलवे ट्रैक के बाजू में, अंधेरा है, 6:30 7 जोर से कोई चिल्ला है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इसकी लाश पड़ी है। गए दौड़ के तो अपना ही बच्चा 3 टुकड़ों में कट गया था। बहुत रोए, सबने बोला, अरे रोते क्यों हो भाई, ये देखो ये ट्रेन आ रही थी, अंधेरा है, लड़के ने क्रॉस करने की कोशिश की, देखा नहीं भाई एक्सीडेंट हो गया ना, भगवान की मर्जी, चलो रोना बंद करो, अंतिम क्रिया की तैयारी करो। लेकिन मेडिको लीगल केस है, पोस्टमार्टम होना जरूरी है। लाश के टुकड़े इकट्ठे किए, अस्पताल में ले गए, बच्चे के कपड़े निकाले, 12 साल का बच्चा है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला, चड्डी में से एक चिट्ठी निकला, मैंने अभी मेरे साथ रखा है चिट्ठी। चिट्ठी में उसने पूरे दिन में उसके साथ जो हुआ उसका जिक्र किया है, अंत में लिखा है कि अगर टीचर ने मुझे चांटा मारा होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, अगर टीचर ने मुझे दो गाली भी दिया होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह पब्लिक में मेरे पिताजी का अपमान किया, मुझे बहुत दुख लग गया है। और आखिर में लिखता है कि मैं जब क्लास में जा रहा था तो टीचर ने मुझे रोक के बोला कि अब मैं देखूंगा तू पढ़ लिख के आगे कैसे जाएंगे जिंदगी में, तो मुझे बहुत बुरा लग गया। और अंतिम लाइन है, अगर मैं पढ़ लिख के जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने सकता हूँ तो मेरा जिंदगी का जीने का मतलब क्या है, तो मैं आत्महत्या करता हूँ। हमने देखा गुजरात में एक इलाका है सौराष्ट्र बोलते जिसको, जहाँ ऊना हुआ, क्योंकि ये अलग स्टेट था 1947 में, बाकी का हिस्सा बम्बई राज्य में था। सौराष्ट्र के इलाकों में हमने 1500 बच्चे आइडेंटिफाई किए, क्योंकि वो दलित थे, टीचर उससे स्कूल की यूरिनल और टॉयलेट साफ करवाते थे, 1500 बच्चे, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते, निकल जाते स्कूल से। हम गए स्कूल में पढ़ाई के लिए, हम गए नागरिक बनने के लिए, हम गए कि हमारा स्वीकृति होगा। अभी वहीं बोला जाता है जो बाबा साहब को बोला गया था कि आप वहाँ बैठो, अपना एक बोरा लेके आओ, कल से वहाँ बैठना। तो फिर बच्चे को लगता है कि मुझे नहीं रहना है, क्योंकि टीवी में देखते हैं ना, टीवी में लगता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन देश में है ही नहीं, सब क्रीम इस्तेमाल कर सकते, साबुन सब इस्तेमाल कर सकते हैं, सब अच्छे कपड़े पहन सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन टीवी पे नहीं है। तो आप एस्पिरेशन समाज में बढ़ा दो, फॉल्स परसेप्शन खड़ा कर दो और स्थिति बदलेगा नहीं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना, उसमें से भयंकर अराजकता पैदा होता है। युवाओं पे मैंने देखा है क्या होता है, एडिक्शन का लेवल बहुत हाई है, बहुत बढ़ गया है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ता है। आपने बीए किया, हमने दलित शक्ति केंद्र शुरू किया है, वोकेशनल स्कूल है, कल मैं रात को भी बता रहा था, लेकिन वहाँ
एक लड़का या लड़की आती है जिसने तीसरी कक्षा पास किया है, वो भी सिलाई सीख रही है। दूसरी है जिसने बीए पास किया। अभी होता है कि तीसरी कक्षा वाली जरा ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकती है क्योंकि उसका माइंड फ्री है। ये दूसरी बच्ची क्योंकि ग्रेजुएट है ना, तो उसको इतना परिताप होता है कि मेरा ग्रेजुएशन का फ़ायदा क्या हो गया। सवाल है क्या किया जाए। मेरे हिसाब से अगर ये देश कभी एक राष्ट्र नहीं बनने वाला है तो क्या हम स्वीकार कर ले कि स्वीकार कर लेते हैं कि ये कभी संभव नहीं है। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ नई शक्यता खड़ी होती है। कई लोग मुझे बोलते हैं, मार्टिन भाई बाबा साहब ने भी बोला था, दलितों को अलग बस्ती, ये देश में दलितों को अलग राष्ट्र मांगना चाहिए। और मैं पूछता हूँ कि ये तो है ही है ना, अलग तो है अभी, इससे अलग क्या चाहिए आपको। सवाल ये है, और मेरे हिसाब से हम जब यूथ सम्मेलन में बैठे हैं कि जाति का मामला सिर्फ दलितों का है कि पूरे देश का है, पूरे देश का है। इस देश में कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मेरी कोई जाति नहीं है। ठीक है, फर्क इतना है कि कोई बोलता है मेरा जाति छोटा है, कोई बोलेगा मेरा जाति बड़ा है। और नेपाल में तो छोटा बड़ा भी नहीं बोलते, वहाँ नाम बोलते हैं पानी चलने वाली जाति, पानी न चलने वाली जाति, जिससे पानी पी सकते हो जिससे पानी नहीं पी सकते हो। नेपाल में भी ही इतना ही स्ट्रांग कास्ट सिस्टम है भारत जैसा, बल्कि भारत से भी थोड़ा मजबूत है क्योंकि नेपाल में नहीं था। और मेरे ख्याल से 11वीं सदी में वहाँ से 5 पंडित को भेजा गया कि भारत में जाके सीख के आइए कि वहाँ से क्या लेना है हमें। और ये महाशय आए और देखा कि ये सबसे अच्छी चीज़ है जाति व्यवस्था, तो हमारे देश में भी होना चाहिए। और नेपाल में वो थोड़ा जो यहाँ भी लूप होल थे वो भी कड़क करके गए, तो वहाँ तो बहुत स्ट्रांग है। वहाँ तो मैं गया धनगढ़ी में जहाँ नक्सलाइट बेल्ट है, और वहाँ तो रूल भी है कि आपका सरनेम समान है, जैसे सोलंकी है जो शेड्यूल कास्ट में भी आएगा राजपूत में भी आएगा, तो सरनेम के पीछे ब्रैकेट में लिखना होता है कि छोटी जाति या बड़ी जाति है, ये सरकारी कानून है। बराबर है, अभी वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। अभी अंग्रेज नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि अंग्रेज लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम आज़ाद है। तो ये सवाल हमारे सामने अभी है, क्या करें। मुझे सूत्रव नहीं आता है, बाकी के लोग बोल सकते हैं, मैं उसका इज्जत करता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इस रूम में हम इतने कन्वर्टेड लोग हैं, वहाँ बोलने का क्या फ़ायदा है। बराबर, अगर चिल्लाना है तो बाहर शहरों में जाना है, गलियों में जाना है। एक सवाल जो मुझे परेशान करता है ये है कि हमारी तादाद कभी बढ़ती क्यों नहीं है। हम लोग जो समानता में मानने वाले लोग हैं, न्याय में मानने वाले लोग हैं, हम क्यों हम भी हम हमेशा हम लोग माइनॉरिटी है, हम कभी इस देश में क्यों मेजोरिटी नहीं बन पाते है? और मैं मानता हूँ इसका मूल कारण जो है ये पहचान का है, आइडेंटिटी का है। हम बोलते हैं हम जाति में नहीं मानते, लेकिन हमारे घर में जब शादी की बात आएगी ना तो पहला सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जाति क्या है। भाई दूसरा छोड़ो, पहले बताओ जाति क्या है। बराबर, और अभी तो न्यूज़पेपर में कॉलम्स आती है मैट्रिमोनियल में। हाँ, तो या तो यूथ आंदोलन छेड़ दे कि हमें ये देश नहीं पसंद है, हमें एक राष्ट्र चाहिए, और एक राष्ट्र चाहिए तो परिभाषा एक होना चाहिए।
इसलिए डॉक्टर अंबेडकर एक काम अपूर्ण छोड़ के गए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने बोला था कि जब तक कास्ट रहेगा, जाति व्यवस्था रहेगा, इस देश में परिवर्तन का कोई गुंजाइश नहीं है। महाराष्ट्र में लोगों ने सोचा कि बाबा साहब ने बोला कि इसकी जड़ हिंदू धर्म है, ऋग्वेद में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, पुराण में भी है, तो हिंदू धर्म को छोड़। मेरे पिताजी की माँ, मेरी माँ के पिताजी ने कन्वर्ट कर दिया था क्रिश्चियनिटी में, लेकिन आप कभी गोवा चले जाएंगे, आप तमिलनाडु जाएंगे, मैं तो अभी केरला में जाके देख के आया, केरला में दो चर्च अलग है रास्ते के, एक चर्च है वो दलित का चर्च है, दूसरा नॉन दलित क्रिश्चियन का चर्च है। इस्लाम धर्म में कई लोग चले गए, आरएसएस 1925 में हुआ तो सही, लेकिन वो उसके पीछे जो एक चिंगारी था वो था कि 1925 में तमिलनाडु में बहुत बड़ा कन्वर्शन इस्लाम में हुआ था दलितों में से। तो इस्लाम में क्या हाल है, जो लोग मानते हैं कि छोटी जाति से आते हैं वो पश्मींदा है, उसके मॉस्क अलग है। जिस विद्रोह में से सिख धर्म पैदा हुआ उस सिख धर्म में चले जाएंगे, गुरुद्वारा अलग। भारत में नहीं, मैं तो कैलिफोर्निया में था, अमेरिका में, और लोगों को पता चला मार्टिन भाई आए हैं, तो एक बार डेलीगेशन आ गया, आपको आना ही पड़ेगा गुरुद्वारा में, लॉस एंजलिस, अरे भैया 400 किलोमीटर दूर है, मुझे बहुत कम है, नहीं आना ही पड़ेगा, मुझे ले गए, मैंने भाषण भी दिया। लेकिन वो मुझे दिखाना क्या चाहते थे कि भारत से 17,000 किलोमीटर की दूरी पे अमेरिका में दलितों का गुरुद्वारा अलग है, वहाँ रविदासी सिख के सिवा और कोई जाता नहीं है। तो जितना बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए वो दलित में से गए, बाकी के लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्यों बाकी के लोग धर्म का त्याग नहीं करते हैं, अगर हम मानते हैं कि ये धर्म इसकी जड़ है जाति व्यवस्था की, क्यों उसको हम छोड़ने तक ले तैयार नहीं है। तो मेरे पास इसके उत्तर नहीं है। हाँ, मैंने 36 साल काम किया और बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने परिवर्तन बहुत देखा है, बहुत देखा है। 1980 में मैं गांव में जाता था तो ये गैर दलित लोग, आदमी दलित बस्ती में आके औरतों के साथ दिन दहाड़े जो करना चाहते थे करते थे, कोई आवाज़ नहीं कर सकता था, अभी वो पॉसिबल नहीं है, मार पड़ेगी, अत्याचार सामने फरियाद होती है, लड़ाई होती है, जमीन हमने लिया है, मजदूरी का ऐलान किया, काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया है, लेकिन एक बात पे मैंने बोला है, क्योंकि मैंने ज्यादातर काम दलित आदिवासी प्रजा समूह में किया है, मैं बोलता हूं, अगर मैं मानता हूं कि समानता ये नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है जिसके साथ समझौता नहीं हो सकता है, तो मेरे अंदर कभी ये असमानता का और गैर बराबरी का मूल्य मेरे जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है। एक छोटी बात बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। दलित शक्ति केंद्रों में 150-200 यंग मैन एंड वुमेन आते हैं पढ़ने के लिए। अभी हमने एक छोटा रूल किया जो आज यहाँ भी था, दो तीन लोग आ गए, मार्टिन भाई थाली हमें दे दो जरा, मैंने बोला नहीं थाली तो मैं ही साफ करता हूँ। तो हमारे यहाँ भी रूल है कि सबको अपना थाली धोना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्त्री पुरुष का भेदभाव और जाति का भेदभाव वो एक कॉइन का दो बाजू है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी वही विचारधारा में से आता है। तो हम मानते हैं कि चलो शुरुआत करो, अपना थाली सब धोएंगे। अब एक दिन बात हो गई कि सब स्टूडेंट्स नाश्ता कर रहे थे और मैं ऑफिस में, तो मैंने बहुत शोर बकोर सुना, दौड़ के गया तो देखा तो चाय के कटोरे, थालियाँ सब बड़ा ढेर, 150,
और कोई है नहीं, मैंने स्टाफ को पूछा, ये जब स्टूडेंट सब छोड़ के चले गए, सबको बुलाया, ये किसने किया सब? मैडम भी हमने नहीं किया, ये शायद कोई बाहर से आके खाना खा के छोड़ के गए। अच्छी बात है, चौकीदार किसको अंदर नहीं घुसने देता, और मैं मानता हूँ कि 150 लोग अंदर से बाहर आ गए, ये सब 18-20 साल वाले लोग मुझे बोलते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि अगर ये आपकी कन्विक्शन है, मान्यता है कि ये काम मेरा नहीं है, तो आपको अपनी मान्यता रखने का संपूर्ण अधिकार है, लेकिन आप में मॉरल हिम्मत होना चाहिए, नैतिक ताकत के बोलना चाहिए कि ये मैंने किया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम झूठ नहीं बोलते मार्टिन भाई, ये हमने नहीं किया है। अच्छा ठीक, आप क्लास में जाइए। मैं पूरा ढेर लेके बैठ गया जमीन पे, साबुन लेके सफाई का, देखा सब दौड़ के आए, मार्टिन भाई ये, थोड़े लोग रोने लगे, हमें बहुत बुरा लग रहा है। देखो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं नहीं मानता हूँ कि औरतों का काम है, तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है। अब हम करेंगे नहीं, आज तो मैं ही करूँगा, और अभी कोई किसी को नहीं बोलेगा, जो मैं देखूँगा मैं खुद कर लूँगा, मैं किसी को बोलूँगा नहीं किसने किया। खैर दूसरे दिन से सब सफाई, लेकिन अभी भी मैं घूमता हूँ तो देखता हूँ कि दाल की कटोरी किसने फेंका है, कोई थाली फेंक दिया ऐसे करके। हफ्ते बाद चार जवान लड़के हाथ में आ गए, 22 साल की उम्र वाले, बड़े हट्टे कट्टे। स्टाफ ने बोला चलो मार्टिन भाई से बात करना है, बोलते हैं हम नहीं आएंगे, वो आदमी है ना बात करके समझा देता है, हमें नहीं आना है, बहुत डेंजरस आदमी है। लेकिन हॉस्टल गए, अपना बिस्तरा पैक कर दिया और कोर्स छोड़ के चल गए घर। जाते जाते चौकीदार को एक मेमोरेंडम दिया एक लाइन का, हम मर्द लोग हैं मर जाएंगे लेकिन औरतों का काम को भी नहीं करेंगे। ये जातिवाद, ये स्त्री पुरुष का जो भी जहर है वो तो हमारे खून में है ना, इसलिए बुद्धा की बात मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने बोला आपो दिव भव, स्टार्ट विथ योर सेल्फ, अब से शुरू करो, फैमिली में आएगा, गांव में आएगा। मैं क्यों सरकार को जाके झगड़ा करूं कि ये कानून और बनाओ, शुरू करते हैं। मुझे श्रद्धा है कि युवा में बहुत ताकत होता है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया युवाओं के साथ, बच्चों के साथ। बच्चों के साथ काम करना तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अभी जबर भाई ने बताया कि मैंने कुछ 17 किताबें लिखी है बच्चों के लिए, और 800 गांव में पुस्तकालय शुरू किए, तो 30,000 बच्चे, रीडिंग क्लब है, उसके ऊपर नुक्कड़ भी होता है। मैं कल आपको बता रहा था मिसाल, एक गांव में एक अच्छा सा किताब एक बच्चा लेके गया स्कूल में, दलित बच्चा, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है, चित्र अच्छे है, वो पढ़ रहा है। एक राजपूत लड़का भी आ गया, दोनों सट के चौंट के किताब पढ़ रहे। किसी ने जाके वो राजपूत पिता को बोला, देखो देखो ये तुम्हारा बेटा, वो उसको छू के बैठा है। पिताजी आया, गुस्सा किया, डांटा, दोनों को अलग कर दिया, लगा मैंने मेरा धर्म खत्म हो गया। वो गए घर, स्कूल चालू हो गया, अभी वो दो बच्चे मिल नहीं रहे, कहाँ गए? बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि बाथरूम अंदर से लॉक है, खोला तो दोनों अंदर किताब पढ़ रहे हैं। ये जो बच्चों में तो प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बच्चा पैदा होके आता है उसको बताता कौन है कि जाति क्या है? कौन बताता? परिवार में ही बताता, हम ही बताएंगे, हम ही बताएंगे। तो ये पूरा सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है पूरी बराबर, ये भी बदलना पड़ेगा। पर ठीक है, मैं यहाँ मेरी बात समाप्त करता हूँ, ये मेरा अनुभव के साथ कि युवाओं में मुझे बहुत ताकत दिखता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कितना भी विकास हो जाएगा इस देश में, कभी इस देश सुखी नहीं होगा जब तक जाति रहने वाला है बराबर। और हम जी रहे सुखी होने के लिए, तो जाति का निकंदन यही हमारा आखिरी मंजिल है। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद मार्टिन भाई जी, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग के बीच में रखा। और मैं देख रहा था कि एक भी साथी हमारा उठ के बाहर नहीं गया, बाहर के साथी अंदर आ रहे थे। इसका मतलब आप बहुत गंभीरता से सारी बातों को सुन रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा था साथियों कि हम लोग सवाल जवाब लेंगे, और जिन साथियों के भी कोई सवाल होंगे उनको पर्चे हमारे साथी उनको दे रहे हैं। तो आप, हाँ, अगर आपके पास जो पैड है उससे पे भी लिख के आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको हम मार्टिन भाई तक पहुंचाएं और वो आपके सवालों के जवाब दें। मुझे लगता है बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, कि मेरे पास जितने भी पर्चे साथियों के हाथ में सब लगभग समाप्त होने वाले हैं। मेरे ख्याल से इस वाले सवाल को आप अलग से ले लें, और उसका जो बाकी सवाल आएंगे फिर उसको 8-8 10-10 सवाल इकट्ठे करके फिर उसका एक साथ जवाब देंगे, ऐसे ना? हाँ, क्योंकि ये मेरा भी सवाल था, मुझे भी पूछना था। हाँ
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके तो बहुत सारे सवाल है। मेरे ख्याल से मैं बोल रहा था नीरज भाई को कि मेरे लिए 1 घंटा आपने बहुत टाइम दे दिया, लेकिन लग रहा है कि ये मुद्दे इतने सारे निकलते हैं तो काफ़ी समय चाहिए। लेकिन इतने सारे सवाल खड़े हो गए तो मैं पॉजिटिवली देखता हूँ कि काफ़ी हम सोचते हैं। अच्छा, एक सवाल जो आया वहाँ से शुरू करते हैं कि जहाँ से मैंने छोड़ा था, कि आपको कोई शक्यता दिखता है और मैं यही सवाल सबको पूछना चाहता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, कितने लोग मानते हैं कि जाति व्यवस्था सच में ख़त्म हो सकता है? वेरी गुड, ओके, सो दैट इज़ माय आंसर। जाति व्यवस्था ख़त्म हो सकता है। अच्छा, एक ये जो है कि बच्चों की बात करी और किताबों में बात करी, तो ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि मेरे ध्यान में आया कि ज़्यादातर जो पूर्वग्रह है जाति का और स्त्री पुरुष का, वो हमारी किताबों में ठूस ठूस के भर के लिखा है। बराबर, गुजरात में धमाल हो गया क्योंकि बहुत बड़े गांधी जी के समकक्ष जो लेखक थे गिजुभाई बदेगा, उन्होंने बच्चों के लिए करीब 90 किताबें लिखी है या एडिट किया है। लेकिन ये किताबों में मैंने पढ़ा तो इतना जातिवाद, और फिर मैंने बोला कि ऐसी किताबें तो जला देना चाहिए, तो हंगामा हो गया। पहली बार ब्राह्मण सभा गुजरात में खड़ी हो गई, बोलते हम गिजू आप हमारे गिजुभाई को क्यों बदनाम कर रहे हो। ठीक है, इतना फ़र्क हुआ कि पूरे गुजरात स्टेट का पूरी किताबें मैंने अध्ययन करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया है, और NCERT में जो विवाद हो गया था वो भी मैंने अध्ययन किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने किया कि सब जो भी सुझाव दिया था वो निकाल दिया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं लेकिन बच्चों की किताबें हम नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे बच्चे क्या किताबें पढ़ते हैं वो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम बच्चों को कैसे बता पाएंगे कि इसमें कहाँ करेक्शन का ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रवृत्ति अगर हो सकता है, क्योंकि आपने भी सवाल उठाया, मैं मानता हूँ कि हर एक गांव में अंदर एक लाइब्रेरी, और हमारे वॉलेंटियर 1 घंटे बच्चों को लेके बैठ जाएंगे, पूछेंगे आज स्कूल में क्या हुआ, अगर भेदभाव ध्यान में आया तो स्कूल में मामला उठाने का सवाल, पंचायत में उठाने का सवाल, और बच्चों के साथ में बैठ के अगर 1 घंटा बात होती है, मैं मानता हूँ कि बड़ी क्रांति होती है। अच्छा, ये सवाल एक आया था दूसरा, ये धर्म वाला, कि धर्म से कुछ फर्क पड़ता है कि क्या, खास करके बुद्धिज्म के मामले में सवाल है। अभी देखिए, ये धर्म क्या है? धर्म में 3 चीज़ होती है, एक तो गतिविधियाँ, रिचुअल जिसको हम बोलेंगे डॉगमा, दूसरा है उसके स्क्रिप्चर शास्त्र, और तीसरा है धर्म की तत्वज्ञान, उसकी फिलोसॉफी। पहले होता था मैं जब छोटा था कि हर एक बस्ती में महाभारत भी पढ़ते थे लोग, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं क्रिश्चियन फैमिली था तो मैं भी जाके बैठ जाता था, और मैं कभी कभी पढ़ता था, सब बोलते थे नहीं ये बच्चे को दो अच्छा पढ़ता है, ये मन में था ही नहीं कि हिंदू धर्म का पुस्तक है, क्योंकि उसके बाद जितने भी लोग बूढ़े लोग बैठे थे उसके ऊपर 2-2 घंटे चर्चा होते थे कि इसका इसमें जो बोला हमारे एक उसका ताल्लुक क्या है। आज हम माने न माने, धर्म क्या चीज़ है वो हमें राजकीय लोग सिखाते हैं। अगर धर्म क्या है वो जानना है तो हमें पॉलिटिकल पार्टी में जाना पड़ता है।
क्योंकि ये राजनीति का सा धरी बन गया है। तो इस क्षेत्र में बहुत काम नहीं हुआ है। हम अभी यूएस का इतिहास देख लेंगे, रंग भेद के खिलाफ, तो धर्म के विषय में अध्ययन बहुत हुआ है आध्यात्मिक क्षेत्र में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। थोड़ा इतिहास में पहले मिलता है, कबीर है, नरसिंह मेहता थे, तुकाराम थे, ज्ञानेश्वर, बट उसके बाद अभी क्या? अभी पिछले 50 साल 60 साल में हमें देखना है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या काम हुआ है, तो क्या दिखाएंगे हम? नहीं है। बट मेरे ख्याल से ये भी मुद्दा हमें उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को सीधा असर करता है। ये मुझे नहीं मानना चाहिए कि धर्म का मामला है तो पुजारी जानेगा, मुझे नहीं समझ पड़ेगा, नहीं, आई कैंट डू दैट। वेल, एक सवाल मीडिया का है। अभी धीरे धीरे हमने देश में देखा है कि हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर मीडिया अभी गवर्नमेंट के साथ चला गया है। हमारी बड़ी बड़ी टीवी कंपनियां हैं, उसमें ज़्यादा शेयर अभी प्राइवेट कंपनी खरीद रहा है, एनडीटीवी में भी देखो लास्ट में, क्योंकि धीरे धीरे डिसेंट का, विरोध का कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी जो नया क्रांति आया है, जिसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं, ऊना का इतना पब्लिसाइज हुआ वो न्यूज़पेपर के वजह से नहीं, सोशल मीडिया में। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग बैठे हैं जो आईटी क्षेत्र से है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सही समाचार हर हफ्ते हम गांव के लोगों को सीधा पहुंचा सकते हैं? बड़ा काम है, सोचना चाहिए। हम तो गुजरात में सोच रहे हैं अखबार निकालने का। इंटरकास्ट, अभी इंटरकास्ट मैरिज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें जाति रहता है। सही बात, जब मैं बोलूँ कि इंटरकास्ट शादी करनी है तो कास्ट शब्द तो वहाँ सवाल, प्रश्न ये है कि इंटरकास्ट शादी से फर्क पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है। मैंने बोला, यार मुझे समझ नहीं पड़ रहा है, तूने शादी किया 25 साल हो गया, अभी तेरे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, फिर भी तू बोलता है कि मैंने इंटरकास्ट किया है, तो जाति गया नहीं घर से? तो तूने शादी जाति के लिए किया था कि ये लड़की का तू प्रेम प्यार कर रहा था इसलिए किया था? मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। मैं मानता हूँ शादी दो लोग करते हैं, ये दो जाति करती है, ये सवाल मेरे लिए जरा थोड़ा अजीब है। लेकिन ये सवाल मानना चाहिए कि सवाल है कि इंसान कौन है? क्या इंसान का मूल्यांकन जाति के आधार पर होना चाहिए? नहीं, ये सवाल है। तो अगर ये हमारे फोरम में होता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के ये सोच है, ये उसके मूल्य है, ये उसके सोचने का तरीका है, तो ये नया पहचान खड़ा होगा। बराबर, ये जाति के आधार पर इंटरकास्ट मैरिज में मेरा बहुत श्रद्धा नहीं होता है। दूसरा एक सवाल है, मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल है नेशन वाला, जो मैंने छेड़ा था कि एक देश है दो राष्ट्र है। फ्रैंकली मैं भी काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि ये सवाल अभी मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। एक आंदोलन चलाया था गुजरात में मैंने, जहाँ दलित का परिभाषा बदल दिया था। मैंने किताब लिखा, मेरी कथा उसमें लिखा है कि दलित कोई जाति का पहचान नहीं है। दलित का मतलब है जो भी लोग समता में मानते हैं, समता का व्यवहार करते हैं और असमानता के खिलाफ संघर्ष करते हैं, वो दलित है। तो क्योंकि अमेरिका में ये हाल हो गया था, ब्लैक एंड वाइट, तभी मार्टिन लूथर किंग ने एक वहाँ क्रांति कर दी। उन्होंने बोला ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल। अभी वो अलग बात है, क्योंकि ये हकीकत है, सत्य है कि मेरी चमड़ी का रंग काला है,
आप देख सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी चमड़ी ब्लैक है और उसमें मुझे गौरव है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ कि क्योंकि मैं ये जाति का हूँ तो मुझे गौरव है, कि जाति एक खुद कोई सत्य नहीं है, ये तो डिसेप्शन है, परसेप्शन है। जाति सत्य है ही नहीं, ये तो किसी ने पूरा खड़ा कर दिया है, ये ह्यूमन क्रिएशन है, जाति है ही नहीं। तो जो सच्चे नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसके आधार पर मैं मेरी दुनिया क्यों खड़ा करूं, मैं उसमें क्यों गौरव ले रूं। हाँ, तो इसलिए एक ही वैल्यू अगर हम समझ लेते हैं कि इक्वालिटी का जो वैल्यू है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसके साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, जाति के आधार पर हो, वंश हो या स्त्री पुरुष, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रगति हम कर सकते हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि जाति व्यवस्था को हटाने का काम कभी कोई राजकीय पक्ष नहीं कर पाएगा, ये सामाजिक आंदोलन का ही विषय है और वो ही रहेगा। तो सामाजिक आंदोलन छेड़ेंगे तो ये मुझे पॉसिबल दिखता है, बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगा मैं नहीं मानता हूँ। ओके, दूसरे तीन चार सवाल है, मेरे ख्याल से समय की बहुत कमी है, लेकिन एक सवाल है जिग्नेश मेवाणी हार्दिक पटेल, हाथ ज्वाइन कर दिया है टू डिफीट बीजेपी, हैज दिस अलायंस लेड टू शिफ्ट ऑफ फोकस। ओके, समझ गया मैं, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल दोनों ने हाथ मिलाया है बीजेपी को हराने के लिए, बराबर। मैं दो दो में एक बात बताऊंगा कि हार्दिक और जिग्नेश, हार्दिक को मैं कभी नहीं मिला, जिग्नेश को मैं कई बार मिला हूँ, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत आता है, मैं उसके कार्यक्रम में भी साथ में रहा था क्योंकि मुझे पता था काफ़ी रिस्क उसके पर भी था, तो मैं हमेशा साथ में रहा हूँ। लेकिन दो चीज़ होती है, सामाजिक आंदोलन ओवरनाइट नहीं होता है, साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, हजारों लोगों से बात करना पड़ेगा, बराबर। मैं मेरा मिसाल देता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला था, देख तू लड़का इंटेलिजेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी करना है, जा कर, लेकिन तेरे को गारंटी देता हूँ तुझे डिग्री मिलेगा लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर तू गांव में रहने जाएगा, लोगों के साथ रह जा, तो तुझे नॉलेज मिलेगा लेकिन डिग्री नहीं मिलेगा। अभी तुझे क्या चाहिए लाइफ में मुझे बताओ। बहुत कठिन चॉइस था, लेकिन मैंने बीए के बाद पढ़ना छोड़ दिया। मैं आज जो भी आपके सामने बोल रहा हूँ ये सब मुझे ज्ञान मिला गांव के गरीब लोगों के पास से मिला। अभी हम क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में जो आएगा, बड़ी बड़ी किताबों में आएगा, वहाँ से हम सीखेंगे, मैं नहीं मानता हूँ। गांव के लोगों से, उसके अनुभव से जो शिक्षा मिलती है ना, और अक्सर ये देश में ऐसा ही होता है कि जो अनुभव और विजडम गांव में पढ़ा है वो कभी किताब में आता ही नहीं है, और जो किताब में है वो देश की कोई बात नहीं करता है। तो अगर हमें आंदोलन मजबूत करना है तो उसके हमारे लीडर तो गांव के लोग ही होंगे। अन्याय के सामने लड़ने का ताकत रोटी खाने से नहीं आता है, मैं मानता हूँ कि जो हम सहते हैं ना अत्याचार, उसकी पीड़ा में से वो ताकत खड़ा होता है, तो ये तो वहाँ से आता है। अभी हार्दिक के बाद नया गुजरात में खड़ा हो गया, ब्राह्मणों का आंदोलन खड़ा हो गया रिजर्वेशन के लिए, ठाकुर लोग खड़े हो गए, मैंने आर्टिकल लिखा, उसमें लिखा है, और मैं आपको बता के बात खत्म करता हूँ कि हार्दिक पटेल है, ठाकुर आंदोलन अल्पेश ठाकुर है या ब्राह्मण आंदोलन, तीनों लोग एक ही बात बोलते हैं कि गुजरात में विकास का मॉडल फेल हो गया है। अभी तक लोग मानते थे कि बड़ी जाति होगी तो आपको बहुत अधिकार मिलेंगे, लेकिन अभी पता चल गया है कि मुझे मेरी जाति की वजह से कुछ फायदा नहीं होता है, तो गरीब ब्राह्मण में भी है, बनिया में भी है, ठाकुर में भी है और पटेल में भी है,
मराठा आंदोलन चला, क्यों चला, बहुत सारे रिसर्च हुआ है। कितने फैमिली है, 700 फैमिली है जिसके पास बहुत संपत्ति है, बाकी के लोग, ये गैर बराबरी बहुत है। जैसे ये एक सवाल किसी में आया है, दलितों में जातिवाद, बिहार चले जाइए, बिहार से आए हैं, मिले थे अभी भी, मुशहर के साथ आप काम करते हैं, क्या है अक्षर ज्ञान के प्रमाण, लिटरेसी रेट मुशहर ऑफ वीमेन में 2001 की वस्ती गणना में लिटरेसी रेट मुशहर वीमेन में 0.46% है। तो एक साइड है कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईएफएस ऑफिसर बनेंगे और वही समाज, हाँ दूसरा लिटरेसी रेट 200 में से वो एक औरत लिखना और पढ़ना जानती है, ये गैर बराबर है भी। तो वही काम वहीं भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा मजबूत करता है मान्यता है कि जाति व्यवस्था तो जाना ही है और नहीं जाएगा तब तक कोई देश में कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। हार्दिक कहाँ जाएगा किसी को नहीं बताया। हाँ एक अभी हो गया है, मीडिया का रोल है, बहुत तेल डालते हैं, बहुत जलाते हैं और वही फिर पानी लेके डाल देते हैं, वही आंदोलन खत्म कर देते हैं। मुझे खत्म नहीं करना मुश्किल है क्योंकि 27 साल से या 35 साल से 3000 गांव में हजारों लोग है वहाँ पे। अभी नवसंघ के खिलाफ चार्ज लगा है ना कि तुम्हारी प्रवृत्ति देश के हित में नहीं है, यूर एंटी नेशनल, गवर्नमेंट ने लिख के दिया है। तो अभी 25 को रैली है, करीब 8-9 हज़ार लोग आने वाले हैं और ये वहाँ लोग रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं कि अगर अधिकार की बात करना एंटी नेशनल है तो हम एंटी नेशनल है और रहने वाले हैं, मरेंगे तब तक। तो गांव गांव में आंदोलन चलने वाला है। अरे आप कौन हो बोलने वाले, तुम्हारी पार्टी सत्ता में आई तब से नेशन बन गया। हाँ ये बहुत पुराना सवाल है। लेकिन मैं जिग्नेश को भी कई बार बोलता हूँ कि मेहरबानी करके सामाजिक आंदोलन में कभी कोई एक नेता नहीं हो सकता है, ये सामूहिक प्रक्रिया है, हजारों लोग की राय लेनी पड़ती है, हजारों लोग को जुड़ना होता है, बराबर। वेल सवाल काफ़ी है लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े ज़रूरी है कि सभी सवाल के जवाब होने चाहिए, मेरे ख्याल से बाकी का प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट बाहर मिलेंगे बात करेंगे। हाँ ये मैंने पढ़ा है आपका। थोड़ा एक का सवाल है कि आपने 1500 केस लड़े, जिक्र किया, कितने में सफलता मिली? बहुत सारे, क्योंकि हम कोर्ट में गए नहीं कभी, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो आपके पास एक तो गरीब हो और बाकी जितने पैसे वकील ले लेगा। लेकिन हमने एक अच्छा आइडिया निकाला, केस लेके कोई आता था वो नोट कर लेते थे और फिर सामने वाले को चिट्ठी लिखते थे कि आपके सामने ये आक्षेप लगा है, कृपया ऑफिस में आके समझाइए, और अक्सर वो आ जाते तो सामने बिठा देते थे, क्या मामला क्या है बताओ। अच्छा देखो आपने ज़मीन ले लिया 2 एकड़, अगर दे देते हो तो मामला यहाँ ख़त्म कर देते, अगर नहीं देना है तो कोर्ट में जाएंगे। बहुत सारे केस में लोगों ने बोला कि ठीक है हम वापस कर देते हैं, अभी कोर्ट में मत जाइए, हाँ लेकिन समाधान करना पड़ेगा, हाँ करने के लिए तैयार है। तो समाधान दलित बस्ती में होता है, चाय बनेगा, सब साथ में मिलके चाय पियेंगे, फिर समाधान होगा। तो ऐसे करके करके देखा हमने कि सरकार में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, 4 केस में सजा होती है, कन्विक्शन सफलता 9 साल में करीब 35-40% है, बराबर। और उसका बहुत डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है नौसेन के पास, बहुत डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है। ये
किसी ने सवाल पूछा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में पॉसिबल है कि राइट इंडियन और कास्ट का कॉलम का विवाद एक बड़ा मामला है, बड़ा मामला है। जाति अभी तो ऐसा है कि मैंने बहुत सारे स्कूल देखे गुजरात में कि जहाँ हेडमास्टर के रूम में रोल है, सीरियल नंबर, टीचर का नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जाति और पेटा जाति। और मैंने टीचर को पूछा कि ये किस हेतु से आप लिख रहे हैं। नहीं नहीं लोगों को जानकारी देने के लिए। हाँ तो अभी मामला तो ऐसा हो गया है कि 1931 में आखिर बार भारत में जाति के आधार पे गणना हुआ था जनसंख्या, अभी हमने वापस किया है। और अभी ये जनसंख्या की गणना बाहर आएगी तो मेरा डर है कि जाति नहीं लेकिन सबकास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इस देश में बहुत स्ट्रांग बनने वाला है, अनलेस सोशल एजिटेशन में हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो पूरा ये हम देखेंगे ना। अभी देखो हर एक अपना छोटा छोटा संगठन जाति का बना रहा है, जाति के अंदर। तो ये तो बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी मुझे नहीं पता इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दो बार पिटीशन हुआ है क्रिश्चियन कम्युनिटी से, क्योंकि हम कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियन बने, लेकिन छुआछूत गया नहीं है बराबर। तो कोर्ट ने मानना मना कर दिया। कोर्ट ने बोला है कि छुआछूत सिर्फ हिंदू धर्म में है, बाकी के कोई धर्म में नहीं है। ये बड़ा मामला है और कितना कोर्ट में श्रद्धा रखेंगे मुझे नहीं पता है। दलितों में जाति भेद है, उसके लिए क्या करेंगे? मैं इतना बताऊंगा, अगर जाति भेद निकालना है तो दलित में या गैर दलित में क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ भी होगा उसको निकालना है। मैं खुद मानता हूँ कि जाति भेद ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा अपमान है और उसको जाना चाहिए। और मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि हमारी राजकीय व्यवस्था ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो हमें सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा और उसमें युवाओं का सबसे बड़ा रोल है। और मैं मानता हूँ जो आपने चिट्ठी लिखा है, एक गांव ऐसा नहीं होना चाहिए या शहर का एक इलाका ऐसा नहीं होना चाहिए जहां हमारा एक वॉलेंटियर नहीं हो, ट्रेन वॉलेंटियर, क्योंकि हमारे पास काडर नहीं है। हम अगर 500 लोग खड़े भी हो जाएंगे, साल में एक बार मिल लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें हज़ारों लोग चाहिए, तो एक काडर बिल्डिंग का काम हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच।